hello everybody i hope each one of you is fine and doing great in your studies so everyone was asking that from where i am doing arithmetic question practice like level one level two and level three and yes some of you want uh, a detailed count video so i have already made that video you can check out my playlist there you will get that video and uh, nowadays i am practice from this book four thousand smart practice questions and this is from testbook.com shun publications so and this is the best book to practice arithmetic questions from zero to advanced level and in this book all type of questions uh, which are frequently repeating in the examinations so and this is the uh, also collection of mock test questions so and best part of this book is that timing is provided in for each questions and a smart answer key proper solution is also provided in this book so let me show you like this 82 seconds and 111 seconds 135 seconds for each question you know timing is provided and uh, स्मार्ट आंसर की इस मीन्स यू नो समाइम्स क्या होता है मॉक टेस्ट में हम uh, कौन से क्वेश्चन डुएबल हैं एंड कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं लाइक कौन से क्वेश्चन हमें स्किप करने चाहिए ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आती हैं तो हम कुछ क्वेश्चन पर स्टक कर जाते हैं बिकॉज हमें डिफ़िकल्टी लेवल नहीं पता होता क्वेश्चन का नहीं हो रहा होता है तो वो चीज़ भी इस uh, बुक में आपको प्रोवाइडेड है ठीक है जब आप बुक विजिट करोगे लाइक यस यू कैन सी कि कितने परसेंट लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया है कितने परसेंट लोगों ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है तो आप जब एनालिसिस करोगे जब क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे ठीक है टाइमिंग वाइज एंड चीज़ों को देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं कौन से क्वेश्चंस आपको स्किप करने हैं एंड द बेस्ट पार्ट दैट की टाइमिंग आपको प्रोवाइड यू नो जनरली हम जब पी से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या किसी हार्ड कॉपी से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें टाइमिंग का नहीं पता चलता है कि हम हमें किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए हम किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हैं एवरेज तो इससे आप जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एनालिसिस कर पाओगे इजीली कि हमें किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है एंड अगर आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है तो आप उस हिसाब से उस बेसिस पे प्रैक्टिस करते करते उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर सकते हैं ओके okay? एंड सोल्यूशन भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आंसर्स इसमें गिवन है सोल्यूशन भी प्रॉपर प्रोवाइडेड है एंड यस yes, मैंने आ, ये बुक अभी खाली रिसीव की एंड मैंने इसके फिफ्टी क्वेश्चनस ढगा भी लिए हैं मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी एंड मैंने अल्जब्रा के कुछ क्वेश्चनस लगाए थे एंड परसेंटेज के तो मैंने सॉल्व किए थे सो फ्रॉम माई साइड दिस बुक इज़ बेस्ट टू प्रैक्टिस एथमेटिक क्वेश्चन कोई भी बिगनर है या एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करनी है आपको तो आप लेवल टू एंड लेवल थ्री से कर सकते हैं एंड प्रीलिम्स में हमारा लेवल टू सॉरी लेवल वन तक ही आता है तो आप जैसे लाइक आर आर बी हमारा एग्जाम लगा हुआ है तो आप उसके लिए लेवल वन की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड फॉर एस बेक मीन्स क्योंकि मीन्स में हमारा जो भी डी आई पोर्शन भी रहता है तो वो एरिथमेटिक बेस्ड ही रहता है लाइक टाइम एंड वर्क बेस्ड डी आई प्रोबिलिटी बेस्ड डी आई एस आई सी आई बेस्ड डी आई तो सब एरिथमेटिक टॉपिक पर ही बेस्ड डी आई रहती हैं आपकी तो हमारा एरिथमेटिक का कांसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए उसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए तो हम ऑल टाइम यू नो मतलब लेक्चर्स देख के या क्लासेस से हर टाइम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हाँ अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है जनरली सभी को बिगनर्स जो भी होंगे तो पहले आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए देन उसके बाद आप प्रैक्टिस प्र, कर सकते हैं बुक से सो so,